नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं द हेल्थ केयर टुडे। रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस साल के रमज़ान में लोगों को करीब 16 घंटे रोज़ा रखना है और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी और उमस भी सातवें आसमान पर है। ऐसे में रोज़े रखने वालों को कई बार सेहत संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए रोज़े के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि रमज़ान के दिनों में सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रमजान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं। इस महीने में सुबह सूरज निकलने से कुछ देर पहले थोड़ा खाया जाता है, जिसे सहरी करना कहते हैं। फिर पूरा दिन यानी सूरज डूबने से पहले तक लोग उपवास करते हैं। जब सूरज डूब जाता है तो कुछ खाकर अपना उपवास तोड़ा जाता है, जिसे इफ्तार करना कहते हैं। लेकिन जब रोज़ा जून की उमस भरी गर्मी में हो तो सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह है कि रोज़दार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरपूर डाइट लें और एक के ऊपर एक चीज़ें नहीं खाएं। डॉक्टरों का मानना है कि रोज़े में ऐसा खाना खाएं जिसमें तेल और मसाला कम हो, जो आसानी से पच सके, और साथ ही फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे फल और हरी सब्जियां, क्योंकि यह धीरे धीरे पचती हैं और इनके सेवन से दिन में पेट में खालीपन का एहसास भी नहीं होता है। इनसे शरीर को तरलता भी मिलती है। इफ्तार के वक्त खजूर और फलों का अधिक इस्तेमाल करें, एकदम से पानी ना पिएं। अक्सर रोज़दार प्यास बुझाने के लिए इफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो आपके किडनी को भी नुकसान पहुँचा सकती है और स्टोन होने का भी खतरा होता है। इसके बदले आप आम और खजूर के शेक और शरबत पी सकते हैं। खजूर आयरन व कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, इसलिए कोशिश करें कि खजूर से ही रोज़ा खोलें। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड और कैफीन वाले पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी का सेवन ना करें, क्योंकि ये प्यास बढ़ाते हैं। इस तरह खान पान में सावधानी बरतते हुए आप रोज़ा के दरमियान अपने सेहत का ख्याल भी रख सकते हैं। अगर कोई रोज़ेदार किसी गंभीर बीमारी का शिकार है तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आज के लिए बस इतना ही। हेल्थ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हेल्थ केयर टुडे। हम रखें आपका ख्याल।